मैं अपनी बहुत बड़ी गवाही देना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे शरीर के अंदर में काम किया। आपका नाम और थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम अनिल मैथिल है, मैं क्रिश्चियन फैमिली से ही हूँ, मगर प्रभु को जाना मैं 2006 में अपना जीवन दिया, प्रभु ने मेरा जीवन लिया। हम कौन होते हैं जो उसको दे सकते हैं, प्रभु ने मुझे चुना और अपना, और जब से अभी तक बढ़ा रहा है। पिछले कुछ महीनों पहले मैं एक जगह काम कर रहा था, तो वहाँ पे वो डॉक्टर का ही मकान था, और वहाँ पे अंकल जो डॉक्टर अंकल थे उन्होंने बोले, अनिल ऐसा लगता है कि तुम डायबिटिक हो। मैंने कहा, नहीं अंकल मैं तो ठीक हूँ। बोले, नहीं तुम्हारी बॉडी ऐसे शो कर रही है कि तुम डायबिटिक हो, तो क्या मैं चेक कर लूँ तुम्हारी। मैंने कहा, ठीक है चेक कर लीजिए। तो उन्होंने मेरी डायबिटिक चेक करी, तो 550+ मेरी डायबिटिक उस समय आई थी। ये सितंबर की बात है, और मैंने बहुत टेंशन में चला गया, और जिस तरह से डायबिटिक के जो साइड इफेक्ट होते हैं किडनी और ये हार्ट वगैरह सब सब ये चिंता आने लगी। तो और मैंने ये भी फिर यूट्यूब वीडियो देखे कि किस तरह से इंग्लिश दवाइयां हमारे को आदि बना देती हैं, हमारे को खानी है, और उन लोगों के दवाई बनाने वाले मैन्युफैक्चरर एक और एक ग्राहक बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा मैं इंग्लिश दवाई नहीं खाऊंगा, आयुर्वेदिक दवाइयों को पे थोड़ा करूंगा और अपने प्रिकॉशन जो होते हैं वो प्रिकॉशन करूंगा। तो मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली और खूब प्रिकॉशन, इवन मैंने कभी टहलता नहीं था, मैं एक एक आधा आधा घंटा छत के ऊपर में टहलने लग गया, और इस तरह से। और एक महीना के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैंने मेरी डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो गई होगी और मैं बिल्कुल अच्छा हो गया होगा। मैंने चेक करवाई तो वो 3.5 एक महीने के बाद आई, तो मैं और डिप्रेस के अंदर में चला गया। इसी बीच में अंकल हमारे कलीसिया के अंदर में, छोटी सी मंडली है हमारी, इसके अंदर में आए, और जब तक हमने प्रभु भोज को विधिवत लेना हमने शुरू नहीं किया था, और अंकल ने उस दिन अपने आप ही अंकल के मन में प्रभु ने डाला कि प्रभु भोज के लिए हमारे को समझाएं, प्रभु भोज के बारे में उसकी जो सच्चाई है वो सच्चाई हम, मैं क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं करीबन 20-25 साल से प्रभु भोज पता नहीं हजारों बार ले चुका हूँ करके। तो और वो एक संस्कार, एक विधि और सब तरह की हम जो रिचुअल की जो बात करते हैं वो सब कुछ थी, मगर उस दिन हमने प्रभु भोज को बहुत सच्चाई और गहराई से समझा कि ये सच में मेरे यीशु मसीह का बदन है जो मेरे रोगों के लिए और मेरी चंगाई के लिए दिया गया, तोड़ा गया, कोड़े खाए, कांटों का ताज, वो सब कुछ जो टूटन है उसकी शरीर की, वो मेरे, जब मैं एक छोटी सी सर दर्द की या बीपी की या XYZ किसी भी चीज की गोली खाता हूँ और वो गोली से मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इससे भला चंगा हो जाऊंगा, तो ये मेरे यीशु मसीह का बदन है, क्यों नहीं होगा। ये सब कुछ अंकल ने हमें सिखाया, और ये विश्वास बहुत गहराई से प्रभु का विश्वास अंदर घर कर गया, और हमने उसी दिन फर्स्ट प्रभु भोज अपनी कलीसिया के अंदर में लिया, और सेकंड डे से मैंने खुद सुबह उठ के फर्स्ट जो भी चाय और हम लोग उसको प्रभु भोज के रूप में प्रार्थना के साथ में कि प्रभु ये बदन है और ये मेरी चंगाई है, चाहे वो शुगर हो चाहे बीपी हो, और हफ्ते भर मैंने कंटिन्यू किया, और आज भी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, और हफ्ते भर के बाद में मेरी शुगर नॉर्मल थी, और उसके बाद भी मैंने कई बार मैंने इसको जांची परखी। इवन उन अंकल ने भी मेरे को बोला, मैंने बोले तुम्हारी शुगर कैसी है, मैंने कहा अंकल नॉर्मल है, बोले कैसे, मैंने कहा प्रार्थना और विश्वास के द्वारा, बोले ऐसे नहीं हो सकता, तुम डायबिटिक हो तो डायबिटिक हो, क्योंकि वो डॉक्टर थे, उनकी डॉक्टरी पढ़ाई बोलती थी, मगर मैंने कहा नहीं अंकल मेरी शुगर ठीक है नॉर्मल है। तो उन्होंने बोला मैं चेक करूं, मैंने कहा अंकल चेक करो, थोड़ा सा इंसानी तबीयत के रूप में मैं थोड़ा सा हेजिटेट हुआ कि पता नहीं अभी तो मैंने खाना खाया हुआ है क्या डायबिटिक आएगी क्या नहीं है, मगर उन्होंने चेक किया और मेरी 200 ही आई, और जो रेंडमली जो खाना खाने के बाद में होती है तकरीबन हमारी होती है, तो मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद दिया, और उसके बाद भी मैंने 2-3 बार चेक करी तो शुगर मेरी बिल्कुल नॉर्मल है। तो प्रभु हमारे शरीर के अंदर में काम करता है विश्वास के द्वारा, अभी मैं विश्वास को ही सुन रहा हूँ, और विश्वास के द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद।